विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार पुस्तिका के अंतर्गत आज हम मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अभ्यास कार करेंगे। पहला प्रश्न है, आपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हम दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे पेन हुआ, किताब हुआ, कपड़ा हुआ, बस्ता हुआ, बाल्टी, गिलास, साइकिल, कुर्सी, पंखा, जो हम रोज प्रयोग करते हैं, मेज, है ना, तो उनके नाम अपन लिख सकते हैं। तो यहां पर उन वस्तुओं के नाम आ जाएंगे जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। अगला कह रहा, निम्नलिखित चित्रों को देखकर यातायात के प्राचीन संसाधनों पर ओल्ड तथा नवीन संसाधनों पर न्यू लिखिए। यानी जो पुराने संसाधन थे, जो प्राचीन समय प्रयोग किया करते थे, उस पे अपन को ओल्ड लिखना है और जो नए संसाधन है उस पर न्यू लिखना है। तो ये हवाई जहाज है, ये हमारा नया संसाधन है, NEW न्यू लिख दिया। ये कार भी हमारा नवीन संसाधन है, इसमें न्यू लिख दिया। ये बैलगाड़ी है, ये हमारा कैसा है, पुराना संसाधन है, ओल्ड लिख दिया, OLD। मोटरसाइकिल, यह हमारा नया संसाधन है, इस पर न्यू लिख दिया। साइकिल, ये भी हमारा नया संसाधन है, पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी ये नवीन संसाधन में आएगा और इसमें हमने न्यू लिख दिया। किताब में हमारे इसमें न्यू ही लिखा गया है, नए संसाधन में है ये। और ये नाव बोट, ये हमारा पुराना संसाधन, ओल्ड संसाधन है। फिर अगला कह रहा है, पहले जब टेलीफोन मोबाइल नहीं थे, लोग एक दूसरे का हाल जानने या संदेश पहुंचाने के लिए क्या उपाय करते थे। तो जब टेलीफोन या मोबाइल नहीं चलते थे तो लोग एक दूसरे को पत्र भेजा करते थे, कबूतरों को प्रशिक्षित किया जाता था, प्रशिक्षित कबूतर भेजे जाते थे, संदेश वाहक के रूप में किसी व्यक्ति को भेजा जाता था, वो सूचनाएं लेके जाता था। तो अपन लिख सकते हैं संदेश वाहक, पत्र, टेलीग्राम, प्रशिक्षित कबूतर। निम्नलिखित कृषि संसाधनों में से प्राचीन एवं नवीन, प्राचीन यानी पुराने, नवीन यानी नए संसाधन, संसाधनों की अलग अलग सूची बनाइए। यहाँ पर यह दिया हार्वेस्टर, ढेकुली, रहट, थ्रेशर, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, बैल, हल और ट्यूबवेल। तो इनमें से छांटने अपन को कौन से प्राचीन कृषि संसाधन है और कौन से नवीन कृषि संसाधन है। तो हार्वेस्टर अपना कैसा है, नवीन है, तो ये हार्वेस्टर जो होगा वो नवीन कृषि संसाधन में चला जाएगा। ढेकुली, रहट, ये प्राचीन संसाधन है, तो ये दोनों प्राचीन संसाधन में चले जाएंगे। अभी थ्रेशर आप लोगों ने देखा होगा, ये नवीन संसाधन है। ट्रैक्टर भी हमारा नवीन संसाधन है। बैलगाड़ी हुआ और बैल हल हुआ, ये पहले यूज किया जाता है, पहले प्रयोग करते थे अपन लोग, तो ये प्राचीन कृषि संसाधन में चले जाएंगे। और ट्यूबवेल, ये किसमें आया, पानी की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, ये नवीन कृषि संसाधन में हो जाएगा। तो ट्यूबवेल, फिर अगला कह रहा, निम्नलिखित चित्रों को देखकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा यातायात संसाधनों में हुए विकास का क्रमबद्ध अंकन कीजिए। तो यहाँ पर इनमें क्रमबद्ध अंकन करना है कि सबसे पहले आदमी किस साधन का उपयोग करता था। तो पुराने समय में आदमी ने चलना सीखा था, तो सबसे पहले वो चला अपने पैरों की सहायता से। तो यहां पर इसको लिखा है विकास का क्रमबद्ध अंकन कीजिए, तो नंबर एक पर ये हो जाएगा। फिर उसने क्या किया, पहिया बाद में आया, जो जानवर थे उसका उपयोग किया, तो यहां पर ये नंबर दो में आ जाएगा। पहिए का विकास हुआ, ये तीन में आ जाएगा। पहिया विकास हुआ तो फिर लाइन लगी संसाधनों की, यहां पर ये चौथे नंबर पर बैलगाड़ी आ जाएगा। और ये हवाई जहाज, कार, ट्रेन, ये पांचवें नंबर पर आ जाएगा। तो ये क्रमिक विकास लिख दिया अपन ने। इसमें कह रहा है, यदि विद्युत का आविष्कार ना हुआ होता तो वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती थी। अब विद्युत
का आविष्कार ना होता, बिजली ना आती घरों में, तो क्या होता? बड़ी समस्या पैदा हो जाती। अभी आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, तो जो चार्जिंग कहाँ से हो रही है? विद्युत से ही तो हो रही है ना। तो विद्युत का आविष्कार ना होता तो क्या होता? प्रकाश की समस्या उत्पन्न। रात में अंधेरे में बहुत सारे काम है ना, अंधेरा होता तो बहुत सारी काम नहीं हो पाते। पानी का संकट उत्पन्न हो जाता, तो हमारे घरों में जो पानी आ रहा है उसमें भी विद्युत का उपयोग किया जाता है। मोटरें चलती हैं तब पानी आता है। बहुत सारी मशीनों का संचालन भी किसके द्वारा होता है? विद्युत के द्वारा होता है। तो यदि विद्युत का आविष्कार ना होता तो मानव सभ्यता का विकास भी इतना ज्यादा ना हुआ होता। फिर अगला प्रश्न कह रहा है, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों के प्रयोग से विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही कह रहा है। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियों का संबंध किस वस्तु के उत्पादन से है? लिखिए। तो जो हरित क्रांति है ये फसल के क्षेत्र में इसने आशातीत वृद्धि की, तो ये फसल उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध या दूध के उत्पादन संबंधित है। आप जानते ही हैं जो वर्गीस कुरियन थे वो श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। अब पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। जो भूरी क्रांति है वो उर्वरक से संबंधित है। और जो नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य यानी जलीय जीव जंतु, मछली। फिर कह रहे नीचे दिए गए वैज्ञानिकों के चित्र पहचान या उनके सम्मुख दिए गए स्थानों पर उनके नाम व उपलब्धि लिखिए। तो ये जो चित्र नजर आ रहा है वो MS स्वामीनाथन। अभी हमने लिखा हरित क्रांति किससे संबंधित? फसल उत्पादन संबंधित है। हरित क्रांति में क्या हुआ? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरक और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। इसी को अपन हरित क्रांति कहते हैं। और हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे? MS स्वामीनाथन। तो यहां पर ये जो चित्र है वो MS स्वामीनाथन का है और ये हरित क्रांति के जनक थे। यहां पर ये जो चित्र नजर वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का है। अभी आप चर्चा की थी ये श्वेत क्रांति के जनक थे। अगला प्रश्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मनुष्य को लाभ ही नहीं मिला है बल्कि इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। बिल्कुल सही है। विज्ञान देन है और उसका दुरुपयोग करोगे तो वही अभिशाप बन जाता है। तो लाभ के साथ साथ हानियां भी हुई हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उन हानियों को पहचान कर उनके कारणों के लिखिए। सबसे पहले इन चित्रों को देखना है, उससे क्या हानि हुई वो अपन को पहचानना है, और हानि किस कारण हुई वो हमें लिखना है। यहां पर हम एक चिमनी का चित्र देख रहे हैं और इससे धुआं निकल रहा है। यहां पर खेतों में पराली जलाई जा रही है और यहां पर ये वाहन बहुत सारे खड़े हुए हैं और इनसे धुआं निकल रहा है। तो यहां पर भी धुआं निकल रहा है चिमनी का, पराली से भी धुआं निकल रहा है, यहां से भी धुआं निकल रहा है। यहां सबसे जहरीली गैसें निकल रही हैं। वातावरण में क्या हो रहा है? तो अपन को पहले हानियां पहचाननी है। तो हानियां क्या होगी? जब जहरीला धुआं निकलेगा तो सांस लेने में दिक्कत पैदा होगी, आंखों में जलन होगी, खुजली होगी, एलर्जी जैसी समस्या हो सकती है, अपन TB जैसी बीमारी से भी ग्रसित हो सकते हैं, यानी हमको बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो इससे क्या होगा? वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसके साथ बहुत सारी जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ जाएगी। ठीक है, पराली जब जलती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है और सल्फर की मात्रा भी निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण बढ़ जाएगी। वाहनों के धुएं से भी जहरीली गैसें निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो
वातावरण में जब जहरीली गैसों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उससे हमें श्वसन संबंधी विकार पैदा हो सकते हैं। तो सांस लेने में दिक्कत होगी, आंखों में जलन, खुजली, एलर्जी, टीबी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं, वातावरण में वायु प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रभावित होगा। चिमनी से निकले धुएं में CO2 व CO की मात्रा बढ़ जाती है। पराली के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है तथा वाहनों के धुएं में भी जहरीली गैसें होती हैं जो वातावरण में घुल जाती हैं। अगले प्रश्न का अभ्यासकार है, यदि वर्तमान में ईंधन के रूप में LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG का प्रयोग अपन घरों में जो सिलेंडर लगे होते हैं उसमें LPG गैस भरी होती है, तो अपन घरों में LPG गैस का प्रयोग करते हैं और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये गाड़ियों वाहनों में प्रयोग की जाती है। तो बोला यदि वर्तमान में ईंधन के रूप में LPG और CNG का प्रयोग ना होता तो पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को लिखिए। तो ईंधन के रूप में LPG और CNG का प्रयोग ना होता तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य जहरीली गैसों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी क्या होता, हानिकारक होता। जहरीली गैसों बढ़ने के कारण अम्लीय वर्षा हो सकती थी, ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण पैदा हो सकता था, जंगली जीव, वन्य जीव और जंगलों और कृषि को भी नुकसान पहुंच सकता था जिससे हमारा पर्यावरण प्रभावित हो सकता था। अम्लीय वर्षा होगी तो वो पानी के द्वारा मिट्टी में मिल जाएगी तो हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित रूप से LPG और CNG का प्रयोग ना होता तो पर्यावरण पर इस नकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता। तो ईंधन के रूप में LPG और CNG का प्रयोग ना होता तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एवं अन्य जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ जाती जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता। जहरीली गैसों के बढ़ने के कारण अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण, जंगलों, वन जीवों और कृषि को नुकसान पहुंचाकर पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।